कल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। नमस्कार, मैं नीलकमल दरबारी, मैनेजिंग डायरेक्टर SFAC, भारत सरकार, सभी किसानों और व्यापारी भाइयों एवं बहनों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं आज आप सभी के समक्ष भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ई नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में कुछ जानकारी साझा करने आई हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक राष्ट्र एक बाजार के लक्ष्य को सार्थक करते हैं। ई नाम एक तरह की अद्भुत पहल है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह देश भर की मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है एवं विभिन्न कृषि उपजों के व्यापार को सुगम बनाता है। ई नाम कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि हमारी जो मंडियां पहले से स्थापित हैं, उनका ये राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसे ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान या व्यापारी सिर्फ अपनी नजदीक की मंडी में ही व्यापार कर पाते थे, पर ई नाम के माध्यम से वो 18 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 ई नाम मंडियों के घर बैठे भाव पता लगा सकते हैं एवं उनके साथ व्यापार भी कर सकते हैं। ई नाम में अब तक कुल 1,72,00,000 किसान, 2,00,000 से ऊपर व्यापारी एवं करीब 1,00,000 कमीशन एजेंट जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म में लगभग 2,000 FPO को भी जोड़ा जा चुका है और वे इसमें व्यापार भी कर रहे हैं। अब मैं आपको ई नाम की प्रक्रिया संक्षेप में समझाती हूँ। ई नाम प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप दोनों पर 12 भाषाओं में उपलब्ध है। ई नाम में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले किसानों और व्यापारियों को पंजीकरण कराना होता है, जो कि ऑनलाइन या मंडी में जाकर निःशुल्क किया जा सकता है। मंडियों में आने वाले किसानों को गेट एंट्री के दौरान एक यूनिक लॉट नंबर दिया जाता है, जिसके बाद उस लॉट की क्वालिटी की जांच की जा सकती है एवं उसी अनुसार लॉट को ऑनलाइन ऑक्शन के लिए ई नाम पोर्टल में अपलोड किया जाता है। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यापारी को किसान अपनी उपज बेच सकता है। बेचान के बाद व्यापारी इनाम के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के द्वारा किसानों को सीधे भुगतान कर सकते हैं। इनाम के कई फायदे हैं, जिनके विषय में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन बिडिंग एवं प्राइस डिस्कवरी होती है। दूसरा, उपज की नापतौल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सही प्रकार से होती है। फसलों की क्वालिटी टेस्टिंग एडवांस्ड मशीनों द्वारा की जाती है। फिर किसानों के खाते में सीधे ई भुगतान की सुविधा दी गई है। मंडियों की कार्यप्रणाली में समय की बचत एवं उसे और एफिशिएंट बनाने में मदद मिल रही है। फिर सबसे बड़ी बात है कि देश की अन्य मंडियों के किसानों एवं व्यापारियों से भी आप जुड़ जाते हैं और उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ई नाम का पोर्टल बन गया तो वही फाइनल है। हमने समय के साथ इसकी व्यापकता को बढ़ाया है एवं कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जो समय समय में हुई डिमांड का नतीजा है। जैसे इसमें शुरू में 585 मंडियां जोड़ी गई थी और मई 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 415 नई ई नाम मंडियों को जोड़ा गया, जिससे कुल जुड़ी हुई मंडियों की संख्या अब 1000 हो गई है। कोविड लॉकडाउन के दौरान ई नाम प्लेटफॉर्म में कई नए फीचर्स भी लॉन्च किए गए, जैसे कि FPO मॉड्यूल, जिसके द्वारा FPO अपनी उपज को APMC में लाए बगैर सीधे अपने संग्रह केंद्र से ई नाम के जरिए बेच सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान मॉड्यूल, जिसके द्वारा भारतीय मौसम विभाग से मौसम की जानकारी सीधे किसानों को प्राप्त हो सकती है।
ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया को और तेज और सुगम करने के लिए 5 नए बैंकों को जोड़ा गया। एग मार्कनेट, किसान सुविधा और उमंग जैसे भारत सरकार के महत्वपूर्ण ई पोर्टल के साथ ई नाम को जोड़ा गया। आने वाले समय में हम ई नाम को आपके लिए और भी अधिक उपयोगी बनाने जा रहे हैं। भारत सरकार 1000 और एपीएमसी मंडियों को जोड़ने की योजना पर काम कर रही है और इसके साथ साथ ई नाम को प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स की तरह विकसित किया जा रहा है। इससे ई नाम के लाभार्थी अन्य जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उनसे ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, क्वालिटी असेइंग सर्विसेज, फिनटेक आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनाम ने एग्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को एक नई दिशा दिखाने में मदद की है और इनाम से प्रेरित होकर देश भर में अनेकों एग्री स्टार्टअप ने जन्म लिया है जिससे कि एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये स्टार्टअप्स अब भारत सरकार व एसएफएसी के साथ मिलकर कृषि बाजार को किसानों एवं व्यापारी भाइयों के लिए और भी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ एक बार फिर नववर्ष 2022 के अवसर पर मैं आप सभी के लिए एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना करती हूँ। आइए अपने क्षेत्र की इनाम मंडी से जुड़े एवं बेहतर भविष्य की ओर मुड़े। जय हिंद।